हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरी कालोनियाल अपने चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ 11:15 बजे से। मेरे सारे काम निपट चुके हैं दोस्तों। कई बारी मैंने कपड़े धो के रस्सियों में डाल दिए। 2 रस्सी कपड़े धो चुकी हूँ मैं आज। और अभी मैं नहाई हूँ और नहाने के बाद मैंने फिर से कपड़े धुले हैं जो मैंने पहन रखे थे। और ये है अद्विका। अद्विका सबको हाई करो, सबको हाई करो, प्रणाम भी कर दो, मुँह से बोलो प्रणाम। और 11:15 तो हो चुका है। 11:30-12 बजे से मैं खाना बनाने स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मिस्टर जी का लंच रेडी करना है। और यदि खुद लेके जाऊँगी, यदि मैं सामने पेरेंट्स जाते हैं बच्चों को लेने, उनके पास भिजवा दूँगी। फिर मैं फटाफट करती हूँ अब काम। मिलती हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ी देर में। तो दिन का खाना रेडी हो चुका है, यानी कि दाल और सब्जी बन चुकी है। और सब्जी मैंने हरी सब्जी बनाई है और दाल मैंने मिक्स दाल बनाई है, बारीक दाल। और मिस्टर जी के लिए मैं रोटी बनाऊंगी और अपने लिए देखती हूँ चावल बनाती हूँ, और सभी के लिए रोटी बनाती हूँ, क्योंकि अद्विका को फीवर है और उसको देहरादून से ही फीवर हो रखा था। और आज सुबह थोड़ा ज़्यादा था, इस टाइम तो नॉर्मल है, ठीक है, वो खेल भी रही है। और मैंने अभी उसको मालिश वालिश की घी की। यहाँ धूप में बिठा रखा है अद्विका को, यहाँ पर साफ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि रोशनी आ रही है। यहाँ पर मैंने अद्विका को बिठा रखा है धूप पर। और अब मैं बाकी का बचा हुआ खाना बनाऊँगी थोड़ी देर में। दोस्तों अभी समय हो रहा है शाम की 4:45 और अद्विका को हल्का फीवर है, तो मैंने मिस्टर जी को फ़ोन किया। मिस्टर जी ने ट्यूशन छोड़ा, वहीं से बाजार निकल गए हैं अद्विका के लिए फीवर की दवाई लेने के लिए। फीवर की दवाई हमारे पास पड़ी हुई है, लेकिन उसका मुझे नहीं लगता कोई असर हो रहा है। हाँ जी मम्मा, अब वैसे अद्विका बिंदास है, उसको देख के लग नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा उसकी बॉडी गर्म लग रही है। और मैंने कहा जब तक मिस्टर जी आते हैं तब तक मैं चाय बना लेती हूँ, फिर चाय पियेंगे, मैं पानी लेने जाऊँगी धारा, फिर धारा से पानी लेने के बाद मिस्टर जी आएंगे दूध लेने। और आज हमें मेहंदी में भी जाना है। अब देखते हैं अद्विका ठीक रहती है तो चली जाऊँगी। वैसे दीदी और नाराज़ हो रही हैं बहुत ज़्यादा कि हम लोग नहीं आ रहे हैं, इस वजह से हम लोग देहरादून चले गए थे, तो उनको ये लग रहा था कि हम लोग वहीं रह जाएंगे, मतलब अभी तक नहीं आ पाएंगे। तो इस वजह से दीदी ने मुझे पहले भी बोला था कि ज़रूर आना, उनका जी फोर्स कर रहे हैं कि चल लेते हैं थोड़ा सा, फिर देखते हैं दोस्तों जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो नज़दीक पे ही यहीं पे, और मैं चाय बनाती हूँ और मिलती हूँ अभी। है नद्विका, शादी में जाना है। दोस्तों मिस्टर जी आ चुके हैं ट्यूशन से भी, बाजार से भी, और हमने चाय भी पी ली है। और अब मैं जा रही हूँ पानी लेने धारा, और मिस्टर जी हैं घर पे, अद्विका के साथ रहेंगी थोड़ी देर, फिर मिस्टर जी जाएंगे मेहंदी में, क्योंकि हमने डिसाइड कर दिया है कि मिस्टर जी ही जाएंगे आज, मैं नहीं जाऊँगी। मिस्टर जी पी रहे हैं चाय, कपड़े चेंज नहीं किए क्योंकि आज ऐसे ही जाएंगे फंक्शन में भी। दोस्तों मिस्टर जी चले गए हैं मेहंदी में, और वहीं हमारा दूध भी लगा हुआ है, तो वहीं से दूध लेके आएंगे, वहीं से मेहंदी फंक्शन अटेंड करेंगे। और मेरे लिए दाल और सब्जी है अद्विका, और मेरे लिए दिन की, और मैं बनाऊंगी सिर्फ रोटी। तो अद्विका को अभी भूख नहीं है, तो इस वजह से अद्विका मना कर रही कि मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी। तो मैं देहरादून से लाई थी अचार वाली मिर्ची, तो मैं बना रही इस टाइम मिर्ची का अचार। ये है मिर्ची, अब मैं लाई हूँ 2 किलो मिर्ची, और इसका मैं बनाऊँगी अचार। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं इसको किस तरीके से बनाऊंगी। तो फिलहाल मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, ये मिर्ची है और ये मैंने बीच से इसमें चीरा लगा रखा है। तो इस तरीके से हम चीरा लगाएंगे। और मैंने रेडीमेड मसाला बना रखा है, ये जो बाजार का मसाला होता है अचार मसाला, मैंने उसी को मिक्स किया है सरसों के तेल में। उसके बाद हम इस बीच में चीरा लगी हुई मिर्ची के अंदर भरेंगे और किसी एयर कंटेनर में भर देंगे। मैंने यहाँ पे ये वाला खाली था तो मैंने उसमें भरूँगी, क्योंकि अब ये कच्चा है तो ये ना फुल भर जाएगा, जब ये थोड़ा थोड़ा पकने लग जाएगा तो एकदम नीचे बैठ जाएगा, तब मैं इनको छोटे डब्बों में डाल दूँगी। मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैं इसमें किस तरीके से मसाला भरूँगी मिर्ची के अंदर। दोस्तों मैंने सारी मिर्चियों को दिन में धो लिया था अच्छे कपड़े से सुखा के, अभी मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने इस तरीके से मिर्ची को बीज से कट लगाया, और इसके अंदर जो बीज होते हैं इनको मैंने कुछ उसमें से निकाला है, साइड मैंने अलग से हटा दिया इनको। और इस तरीके से हम इसके अंदर मसाला भरेंगे और डिब्बे में डाल देंगे, यही इसका प्रोसीजर है। मैं आप लोगों को एक दो करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने इनको भरना है।
ये जो मसाला रेडी था मैं इसी को डालूंगी इसके अंदर। इस तरीके से हमने इसको खोला, चाहो तो आप चम्मच की मदद से डालो और चाहो तो हाथ से भी डाल सकते हो। हाथ साफ होने चाहिए और हाथ से डालोगे भरोगे मिर्ची को तो अच्छे से भर जाएगी। इस तरीके से भर रही हूँ मैं। और जब हमने इस तरीके से भर दिया पूरा यहाँ से यहाँ तक हमने भरना है, और वो क्वांटिटी हमें खुद देखनी है कि कितना भरना है। अगर बहुत सारी मिर्ची और मसाला कम है तो हम थोड़ा थोड़ा भी भर सकते हैं। और इस तरीके से हम इस डब्बे के अंदर ऐसे रख देंगे और मैं इसी तरीके से सभी मिर्चियों को कर दूंगी। दोस्तों मिर्ची का अचार बनकर रेडी हो चुका है, और जो मिर्ची के अंदर का था जो बीज होती है वो है ये, और एक कर दूंगी ढक्कन लगा के बंद। मैंने अभी इसमें तेल नहीं डाला है, मैं तेल भी डालूंगी। और अभी ये जितना दिख रहा है उतना होगा नहीं। दोस्तों मिर्ची का अचार बनकर रेडी हो चुका है, और मैं ये अचार की मिर्ची लाई थी देहरादून से 1.5 से 2 किलो, क्योंकि गढ़वाल में मिलता नहीं है इस वजह से। और मैंने पिछले साल भी यह अचार बनाया था, जिसे देखकर मेरी पड़ोसी दीदी ने भी बनाया अचार और उनको काफ़ी टेस्टी लगा, उन्होंने इस साल भी बनाया। और मैंने अपने सासू जी से सीखा, क्योंकि वो भी काफ़ी टेस्टी बनाती हैं, घर पे ही मसाला रेडी करती हैं और बनाती हैं। मैंने तो रेडीमेड मसाला लिया और उससे मिर्ची का अचार बनाया दोस्तों। और आज खाने का ज़्यादा था नहीं, इस वजह से मैंने अभी रात के टाइम पे अचार कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि मिर्ची भी ख़राब होने वाली थी इस वजह से। और आज दाल सब्जी दिन की थी, रोटी बनाई और रोटी खा के अद्विका सो गई है, क्योंकि अद्विका को फीवर भी है, इस वजह से मैंने उसको सुला दिया। वो खुद ही बोला उसने, मम्मा मुझे सोना है, इस वजह से। दोस्तों मैं आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं ऐसी नई वीडियोस के साथ नए दिन नई शुभ की शुरुआत से। जय देव भूमि उत्तराखंड। टाटा बाय।